विजन एम्स प्रेजेंट्स कौन बनेगा मेयर शो में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। 10 फरवरी का दिन है और आज अजमेर नगर निगम की साधारण सभा हुई। साधारण सभा एक वर्ष बाद पूरे, इस साधारण सभा का इंतज़ार पूरे शहर को था और इसके साथ साथ लोगों को उम्मीद थी कि बहुत सारे विकास के कार्यों पर चर्चा होगी। आगामी एक साल का क्या बजट रहने वाला है उसको लेकर भी आज चर्चा होनी थी। साधारण सभा हंगामेदार हुई, कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें थी वो हम बताएंगे। उसके साथ साथ आज के जो स्टार हीरो रहे वो नीरज जैन रहे। नीरज जैन ने अपने मुद्दों को साधारण सभा में उठाया और उसके साथ हंगामेदार भी साधारण सभा रही। इस वक्त हमारे साथ कौन बनेगा मेयर शो की सवारी पर भारतीय जनता पार्टी से नेता नीरज जैन है, उसके साथ में कांग्रेस से नेता हमारे साथ नौरथ गुजर हैं। दोनों के साथ आज साधारण सभा पर चर्चा करेंगे, जानेंगे कि नगर निगम के अधिकारी किस तरीके से काम कर रहे हैं, आगामी एक साल का जो बजट साधारण सभा जिसमें बजट पेश किया जाता है क्या रूपरेखा तय हो पाई, इन्होंने क्या मांग रखी, उसके साथ साथ इनको क्या क्या कमजोरियां नज़र आई। शुरुआत करते हैं ई रिक्शे की सवारी पर, कौन बनेगा मेयर शो के ऊपर हम बैठे हुए हैं, मेरे साथी राजवीर भी आ जाएं। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, साधारण सभा के अंदर आज आपने बहुत जोर शोर से मुद्दे उठाए, आज यानी कि आज एक तरीके से हीरो रहे, आज आप साधारण सभा में हमेशा रहते रहे। मुझे बताइए कौन कौन सी मोटी मोटी बातें हैं जिस पर आपने आज अधिकारियों को जमकर घेरा था, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद सुशील। मुझे लगता है कि अजमेर की जनता के लिए मुझे विलन भी बनना पड़े, जनहित के लिए विलन भी बनना पड़े, तो उसके लिए मैं बनने के लिए तैयार हूँ। पिछले एक साल से अजमेर नगर निगम की एक भी साधारण सभा नहीं हुई और साधारण सभा नहीं होने का जो बड़ा कारण है वो अधिकारियों की आपसी खींचतान और वहाँ पर चल रहे जो कामकाज को लेकर के जो प्रश्न लगातार मीडिया उठाता रहा है, जनता उठाती रही है और जनप्रतिनिधि उठाते रहे हैं। इस साल भर होने आ गया, गत 14 फरवरी को साधारण सभा हुई थी बजट की, उसके बाद अजमेर की जनता के हितों को लेकर के, जनता के दुख को दूर करने के लिए, जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पा रही है। अजमेर में सब तरफ जो चर्चाएं आम है वो है कामकाज को लेकर के, क्यों नगर निगम वो संस्थान है जो आदमी के आमजन के जन्म मरण परण से लेकर हर छोटे मोटे काम में उसका सहभागी होता है, उसके समस्याओं का समाधान करने के लिए होता है और वो नगर निगम उसके लिए एक दुस्वप्न की तरह बन जाए। जगह जगह नालियां भरी हों, सड़कें टूटी हों, उसके आम जो काम है छोटे मोटे वो काम होना बंद हो जाए, उसके नक्शे पास नहीं हों, उसको जन्म प्रमाण पत्र बनाना हो, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना हो, शादी का प्रमाण पत्र बनाना हो या उसके मकान का हाउस टैक्स भरना हो, इन कामों के लिए भी उसको बार बार परेशान होना पड़े, ऐसी स्थिति नगर निगम की बन गई। इसको लेकर के आज साधारण सभा में जब भी ये मुद्दे आए, चाहे क्योंकि आज ये बजट की साधारण सभा थी तो बजट सीधा सीधा नगर निगम के हित से जुड़ा हुआ है, अजमेर की जनता के हित से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारा जो बजट है वो विकासोन्मुखी होना चाहिए। विकास का बजट होगा, हम अच्छी आय करेंगे, अच्छे इनकम सोर्सेज डेवलप करेंगे, तभी हम डेवलपमेंट कर पाएंगे, क्योंकि नगर निगम एक स्वायत्त शासित संस्थान है। एक स्वायत्त शासित संस्थान अर्निंग सोर्सेज अपने बढ़ाएगी, अपने इनकम सोर्सेज बढ़ाएगी, तभी अच्छे से एक्सपेंडिचर कर पाएगी। हर चीज़ के लिए हम सरकार की ओर देखेंगे तो भी उससे काम नहीं चलने वाला है, लेकिन विगत साल भर में और जिस प्रकार का वातावरण नगर निगम का बना, मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि मैं पार्षद हूँ, मैं आम जन के हितों में लेकर के मुद्दों को लेकर के वहाँ जाता हूँ, विकास की बात करता हूँ, उनकी समस्याएं दूर करने की कोशिश करता हूँ, तो उसको कर पाने में असमर्थ हूँ। और उसके लिए जो मंच है, जो एक स्थान है वो साधारण सभा है, जहाँ पर इन अधिकारियों की अकर्मण्यता, इनकी लापरवाही, इनकी घोर अनदेखी अजमेर की जनता की और जनता के कामों की को लेकर के हम प्रश्न खड़ा कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, आज आप दोनों से जानना चाहता हूँ ये चीज़, शादी समारोह स्लो से वसूली का एक आंकड़ा पेश किया गया था बजट के अंदर, उसके साथ साथ ये भी बताया गया कि ठेलों वालों से कितनी वसूली की गई,
मैं इस मुद्दे पर मैंने मेरा विचार रखा था कि नगर निगम का जो रेवेन्यू अर्निंग का जो सोर्सेज है उनमें कई सोर्सेज हैं, उनमें एक सोर्सेज है कि हम ठेले वालों से मतलब तय बाजारी से कितनी इनकम करते हैं, तय बाजारी जो कि दिवाली पे जो ठेले लगते हैं या ठेलों को जो लाइसेंस देते हैं उनसे जो फीस लाइसेंस भी ली जाती है, और दूसरी ओर विवाह समारोह स्थल जिसको लेकर स्पेसिफिक हमारे विवाह समारोह स्थल अधिनियम बन चुका है, उस अधिनियम के अंतर्गत हमको जो जिन रोड्स पे वो बने हैं, जितने बड़े हैं, विवाह समारोह स्थल कितने गज का है, उसके आधार पर उससे हमको शुल्क वसूलना होता है, क्योंकि वो कॉमर्शियल एक्टिविटी करने के लिए वो स्थान है, तो उस कॉमर्शियल एक्टिविटी से जो अर्निंग हमारी होनी है, मेरे पास अभी वो आंकड़ा नहीं है, 19 लाख रुपए शादी समारोह स्थल से और 36 लाख रुपए ठेले वालों से, वो मुझे ध्यान है, लेकिन जो हमने एक्सपेक्टेड बजट रखा था तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया, मेरे को ज्यादा ध्यान है, 1.5 करोड़ रुपया हम शादी समारोह से जो होने वाली जो इनकम है शादी समारोह स्थल से जो हमको आने वाली आय उससे होगी, लेकिन हुई मात्र 19 लाख रुपए, और वो शादी समारोह स्थल वाले लाखों रुपया शादी का लेते हैं। शहर का कोई शादी समारोह स्थल ऐसा नहीं होगा जो 1,50,000, 2,00,000, 4,00,000 से कम लेता हो। आपको ये आंकड़ा सुनकर ताज्जुब नहीं होता? आपकी सरकार एक साल से है, अधिकारी आप लोगों की सरकार के हैं, 19 लाख रुपए शादी समारोह स्थल और ठेले वालों से 36 लाख रुपए की वसूली। देखिए मैं आपको बता दूं कि अजमेर नगर निगम के अंदर बोर्ड भाजपा का है और यहाँ पर जो महापौर है वो भी भाजपा के है। मैं व्यक्तिगत किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि शहर के हित में भाजपा और कांग्रेस के जो भी कोई जनप्रतिनिधि है सबको मिलकर के इस शहर का विकास करना चाहिए। और रही बात आप कह रहे हैं कि शहर एक साल से हमारी कांग्रेस की सरकार है, लेकिन निगम के अंदर जितने कर्मचारी है वो भाजपा बोर्ड में और जो भाजपा की सरकार थी 5 साल में वही कर्मचारी है, कोई भी कर्मचारी यहाँ पर परिवर्तित नहीं किया गया है। और आज क्योंकि भाजपा का बोर्ड है, हम लोग विपक्ष में हैं नगर निगम के अंदर, और शहरी निकायों को जो अधिकार राजीव गांधी जी ने दिया था 73वां और 74वां संविधान संशोधन करके, उनका एक उद्देश्य था कि शहरों की सरकार जनप्रतिनिधियों के भागीदारी से चले। यहाँ पर स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए का जो व्यय किया गया, लेकिन धरातल पर एक रुपया नहीं लगा गया। इनकी जो तानाशाही है, ये मैं बात मानता हूँ कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो बेलगाम है, निरंकुश है, लेकिन इसमें जो भाजपा के लोग हैं उनका भी, यहाँ पर विधायक दोनों भाजपा के हैं, यहाँ पर जो भाजपा का बोर्ड है, तो आखिर क्यों नहीं वो अंकुश लगाते हैं? जो निरंकुश जो यहाँ पर जो नगर निगम के अंदर अधिकारी कर्मचारी हो रहे हैं उसकी मैं बिल्कुल निंदा करता हूँ। हमने यहाँ पर शांति धारीवाल जी, हमारे स्वायत्त शासन मंत्री जी आए थे, जब उनसे भी बात करी थी, और हमारे मुख्यमंत्री जी जो गांधीवादी नेता है उनका भी ये सोच है कि जो अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति की जो पीड़ा है उनकी समस्याओं का समाधान होए। आपने अभी देखा कि युवा आज बेरोजगार है, महंगाई से त्रस्त है, ऐसे में ठेले वालों से जो अवैध वसूली की जा रही है और जो ठेले हटाए जा रहे हैं वो बिल्कुल बेरोजगार हो रहे हैं। एक तरफ तो आप जानते हो कि केंद्र के अंदर भाजपा की सरकार है, आज त्राही त्राही कर रहे हैं बेरोजगारी के मारे युवा लोग, और जो ठेला लगा करके कोई अपना रोजगार कमाता है उसका आप ठेला उजाड़ दोगे तो उसका रोजगार और छीन रहे हो। आप पहले गेंद अब आपके पाले में है, मुझे समझ में नहीं आता ये शहर क्या समझे, आखिरकार ये वसूली की जिम्मेदारी है किसकी? सुशील जी, मैं इसीलिए, मेरे भाई हैं नौरव जी, एक बार कैमरा घुमाइए कि स्मार्ट सिटी की धरातल पे नजर नहीं आ रही तो पता नहीं कहाँ नजर आ रही है। ये जो सामने चौपाटी बनी हुई है, ये पाथवे बना है, वो स्मार्ट सिटी का ये प्रोजेक्ट है, उसके कारण उसकी देन है कि आज अजमेर की ये झील इतनी सुंदर नजर आ रही है। केंद्र की बात ये कर रहे हैं, बात हो रही है ठेले वालों की। मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे समय भाजपा की सरकार जब राजस्थान में थी, हमने वेंडिंग जोन और नॉन वेंडिंग जोन बनाए, वहाँ पर ठेले लगाने की परमिशन दी गई। उस वेंडिंग जोन में जो ठेले लगते थे उनको हटाने की बात नहीं थी, लेकिन मैं ये बात पूछना चाहता हूँ कि ऐसा एक साल में ऐसा क्या हुआ कि इन ठेले वालों को परेशान किया जा रहा है? ठेले वालों से और तह बाजारी से 34 लाख की वसूली होती है और मैरिज गार्डन से 19 लाख की। मैं आंकड़ा देना चाहूँगा, इससे पहले 2018-19 में यही जो विवाह समारोह चलते उनसे 43 लाख की अर्निंग हुई और अब जाके ये 19 लाख रह गई, कम क्यों हो गई और ठेले वालों से क्यों बढ़ गई और ठेले वालों को क्यों परेशान किया जा रहा है?
हमारा बार बार कांग्रेस कहती रही गरीबों की सरकार, गरीबों की सरकार का ध्यान रखते हैं, लेकिन ये क्या है? बहुत ताज्जुब की बात है। बिल्कुल, देखिए पहले भी जैसे नीरज जी हमारे भाई बता रहे थे, पहले भी निगम के अंदर सरकार इनकी भाजपा का बोर्ड है, अभी भी भाजपा का बोर्ड है। जो वसूली कम की गई वो इनकी जो लोग ये जनता के भावना इनको उठाना चाहिए, और जो ठेलों वालों की बात है, इन्होंने जो वेंडिंग और नॉन वेंडिंग जोन बनाए हैं उनमें एक भी कोई सही जनप्रतिनिधि इन्होंने शामिल नहीं किया गया। खुद की मनमर्जी से अधिकारियों ने वेंडिंग जोन बनाए नॉन वेंडिंग। आज ठेले वाले को कहीं जाकर के मित्तल के पीछे किसी को गली में लगा देंगे तो उसकी कमाई कौन कैसे होगी? आज ठेले वाला अपना रोजगार कैसे करेगा? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि चैनल के माध्यम से आप जिस किसी को ठेले वाले को ऐसी जगह ले जाके खड़े कर दोगे जहाँ पर उसका सामान ही नहीं बिकेगा, आप तो वो कैसे कमा के खाएगा? आज वैसे ही बेरोजगारी से ठेले वाले परेशान हैं, आप रोजगार देने की बजाय रोजगार छीनने का काम कर रहे हो। और ये मुद्दा कांग्रेस हमेशा उठाती आई है, और मैं कांग्रेस का महासचिव होने के नाते और कांग्रेस पार्षद दल का मुख्य सचेतक रहा हूँ, मैं ये मांग करना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा परेशानी जो पिछले 5 साल के अंदर यहाँ पर है, यहाँ पर जो गली मोहल्ले के अंदर नालियों की स्थिति में जाके दिखा सकता हूँ, बहुत गलत है। और मैं ये बात भी मानता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी की जो तानाशाही है वो किसी भी सूरत में लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, और शासन की भावना के अनुरूप यदि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती है तो उनकी शिकायत हम लोग मुख्यमंत्री जी से करेंगे। बहुत से अधिकारियों की ऐसी शिकायत है हमारे निगम में जो तानाशाही कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उस पर हम लोग आगे इसकी बात को रखेंगे। Chicken Super Express, delicious chicken on your door. Order on Zomato and Swiggy and get 50% discount. Chicken Super Express, near Yadav Complex, Vaishali Nagar, Ajmer. Mobile repairing aur accessories ki duniya mein teji se ubharta naam, MD Mobile, Station Road, Ajmer. Contact 811-44-82312. Mayor to aapke hain, kyun nahi aake monitoring kar paate? Kyun nahi ye kar vasooli kar paate? Aaj aapne mudda bhi uthaya ki house tax to gharon mein pahunch gaya, कमर्शियल टैक्स की वसूली नहीं हो पाई। ये मुद्दे आखिर साधारण सभा में एक एक साल पांच पांच साल से आप लोग पार्षद हो, मेयर आपका, बोर्ड आपका, क्यों नहीं उठाते? 7 बार नोटिस दिया गया साधारण सभा के लिए, म्यूनिसिपल लॉज में सीधा सीधा प्रावधान है कि 60 दिन में साधारण सभा बुलाना आवश्यक है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने और इनकी कांग्रेस सरकार ने नहीं चाहा किसी भी हालत में साधारण सभा हो, और 1 साल तक साधारण सभा नहीं होने दी। आप बार बार ये कह रहे हैं कि ये हाउस टैक्स और कॉमर्शियल टैक्स, मैंने उठाया ना मुद्दा, मैं भाजपा का पार्षद हूँ ना, मैंने मेरे महापौर से प्रश्न किया ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके लिए जो जिम्मेदार OIC हैं उन पर कार्रवाई की जाए कि कॉमर्शियल टैक्स, पूरे शहर में कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं लेकिन उनसे वसूली नहीं हो रही है, लेकिन रेजिडेंशियल कॉलोनीज के अंदर सीधा सीधा जो हाउस टैक्स है वो वसूलने के नोटिस आ रहे हैं, उनको हैरान किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। अधिकारी और कर्मचारी मिलकर के जो खेल कर रहे हैं उसका सीधा सीधा नुकसान जनता को भुगतना पड़ रहा है, और हम जनप्रतिनिधि को भुगतना पड़ रहा है। जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं आपको बताना चाहूँगा कि बार बार जब इसके बारे में कंप्लेन की जाती है तो अधिकारी किसी नेता की सिफारिश से जो लगा हुआ है, कह रहा हूँ अधिकारी जो नेता की सिफारिश से लगा हुआ है, ये बार बार कह रहे हैं कि अधिकारी वही है। आपका एक वीडियो भी आया जिसमें आप कह रहे हैं रघु शर्मा को कहकर मैं आपको बाड़मेर भी भिजवा सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा ईमानदारी से कि ऐसा नहीं है, जनप्रतिनिधि वो है, वो हमारी बात सुनेंगे कि आप जिस प्रकार की हरकत कर रहे हैं कि सरकार बदल गई है और सरकारें आती जाती रहती है, लेकिन जनप्रतिनिधि मुझे लगता है कि अगर आप गलत कर रहे हो तो वहाँ भी कंप्लेन कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि के नाते रघु शर्मा जी के पास जाने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ, वो मंत्री हैं सरकार के, और जिस प्रकार की तानाशाही और जस प्रकार का व्यवहार अधिकारियों का जनता से और जनप्रतिनिधि से आज भी हुआ कि किस प्रकार एक इंचार्ज ने बदतमीजी की पार्षद से, हमारे कई पार्षद उनके फ़ोन अधिकारी नहीं उठाते, वो चाहे BJP का हो चाहे कांग्रेस का हो, जनप्रतिनिधि जनप्रतिनिधि है, वो जनता के काम लेकर के जा रहा है, कोई व्यक्तिगत काम लेकर के। अच्छा, तो नहीं आप बोर्ड का जिक्र कर रहे हैं, आपको जानकारी होगी शायद पुष्कर के बोर्ड में जो साधारण सभा होनी थी वो सरकार के दबाव के चलते निरस्त कर दी, कि सरकार ने आदेश देकर निरस्त कर दी। सरकार का काम है, सरकार करा सकती है अधिकारियों से, मुझे ये बताइए घरों को तो हाउस के टैक्स के तो नोटिस निगम भेज पा रही है, कमर्शियल टैक्स की वसूली नहीं हो पा रही, निगम के राजस्व को बढ़ोतरी इन अधिकारियों को ही करनी है, सरकार आपकी है, अधिकारी आपके हैं, जिम्मेदारी भी आप ही की बनती है। देखिए ये जो निगम के अंदर जो शहरी सरकार है, चाहे पुष्कर की बात कर ले आप या अजमेर की कर ले, यहाँ पर बोर्ड भाजपा का है और ये स्वायत्तशासी संस्था है, यहाँ पर पूरी तरह से आप जानते हैं कि नगर निगम को खुद को अपने प्रस्ताव पास करने का
और जो निगम नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंदर कोई भी संशोधन करके अमेंडमेंट करके नए प्रस्ताव लाने का और कानून बनाने का राइट है और कोई भी शहर के हित में ये काम कर सकते हैं। इसमें सरकार कोई दखलंदाजी नहीं करती है। रही बात अधिकारी कर्मचारियों की बात, मैं कहता हूँ कि शहर के हित में यदि कभी भी भाजपा ने, अभी थोड़े दिन पहले ही हम लोगों ने महापौर महोदय को ज्ञापन दिया था कि आप जीसी बुलाई जाए इस शहर के विकास के लिए, इस शहर को आगे बढ़ाने के लिए, जो स्मार्ट सिटी कैसे बनेगा बिना जनता की भागीदारी के, बिना हमारे जनप्रतिनिधियों के सहयोग के यह शहर स्मार्ट नहीं हो सकता। इसी को लेकर के हमने ज्ञापन देकर के हमारे कांग्रेस के पार्षदों ने हमने जीसी की मांग करी थी, इसी को लेकर के आज ये जीसी करी है। हम सदैव मांग उठाते आए चाहे राज किसी का हो। देखिए एक साल हमारे को सत्ता में आए हुए हुआ है और गहलोत साहब बहुत गंभीर है इस मुद्दे पर, किसी भी व्यक्ति की कोई तानाशाही नहीं चलती है और अधिकारी कर्मचारी यदि मनमानी करते हैं तो उसमें नुकसान जनता का होना है, चाहे भाजपा का आदमी हो, कांग्रेस का आदमी हो, जनप्रतिनिधि होता है। हम तो इस शहर के विकास के लिए और हमारे वार्ड की जो सिविल लाइन पुलिस लाइन एरिया है वहाँ की जनता वास्तव में हमेशा विकास चाहती है और विकास के मुद्दे पर हमारे को कहीं भी हमारी बात उठानी पड़ेगी तो हम सरकार में भी बात उठाते हैं। आपके अधिकारी कमर्शियल टैक्स की वसूली करेंगे या नहीं ये बताइए। नहीं, बिल्कुल उनको करनी चाहिए और यदि वो नहीं करते हैं तो हम मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे इस मुद्दे को लेकर के, और यदि हमारा कर्मचारी हमारे राज्य में यदि किसी प्रकार की तानाशाही करता है और यदि किसी भी प्रकार को जो हमारी शासन की भावना के अनुरूप काम नहीं करता है तो उसके खिलाफ जरूर एक्शन होगा। ऐसा नहीं है, जब अशोक गहलोत जी अजमेर आए थे, जब आपने सुना होगा यहाँ पर आज़ाद पार्क की सभा में, उन्होंने एक बात कही थी कि जो अधिकारी यदि जनता के काम नहीं करेगा तो वो अपनी सजा भुगतने को तैयार रहे। ये बात गहलोत साहब की कह के गए थे। अधिकारियों को खुला ये बात है कि उनको काम करना पड़ेगा और जनता के जुड़े हुए अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति को न्याय देना पड़ेगा और नाली पानी सड़क ये जो रोज़मर्रा के काम है ये नगर निगम को करना है और नगर निगम की जिम्मेदारी है। यहाँ पर बोर्ड भाजपा का है और जो भाजपा के विधायक है, दो विधायक पिछले 20-20 साल से यहाँ पर विधायक जमे हुए हैं, इसलिए इनकी जवाबदारी बनती है कि वो जनता के लिए सड़क पर आए। लेकिन इन्होंने हमेशा भेदभाव किया है और जहाँ पर काम नहीं हुआ है आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर जनता इनको जवाब देगी। भेदभाव किया है, अगर भेदभाव करते तो 20 साल से अजमेर के अंदर भाजपा के विधायक नहीं होते, जनता उनको जवाब देती, उन्हें हटा देती। लेकिन अजमेर की जनता का उन पर विश्वास है, उन्होंने काम किया, विधायकों ने काम किया, नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड ने काम किया, उस पर भी विश्वास है। लगातार 25 में से 20 साल भाजपा का बोर्ड यहाँ रहा। मेयर डायरेक्ट इलेक्शन में हम जरूर आ रहे लेकिन नीचे बोर्ड हमारा था। तो ये जो बार बार कह रहे हैं कि हमारी सरकार और वो क्या कहते हैं लोकतांत्रिक मुख्यमंत्री, तानाशाह मुख्यमंत्री हो रहे हैं, वो अपने नीचे के मंत्रियों को सुनना नहीं चाहते, अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से सुनना नहीं चाहते। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को नाम यूटर्न मुख्यमंत्री दिया है। पिछले एक साल में जितने भी फैसले उन्होंने किया उनसे यूटर्न उन्होंने लिया। ऐसे अशोक गहलोत हैं जिन्होंने पहले कहा डायरेक्ट चुनाव कराएंगे निगमों में, पालिकाओं में, और फिर पलट गए, इनडायरेक्ट करवाएंगे। फिर कहा कि परिसीमन होगा, फिर कहा परिसीमन नहीं होगा, फिर हर चीज़ में बदल। चलो राज्य में बाद में जाएंगे, अपना साधारण सभा का नहीं, साधारण सभा में आप मुझे ये बताइए, आज आप निगम के एक अधिकारी पे गुस्सा क्यों हो गए थे? निगम का कौन सा अधिकारी है जो स्नेह करने लायक है? उनके काम की जो गति है और जिस प्रकार वो लापरवाही से, और उनका जो सब्जेक्ट, जो उनका ये कहना कि सरकार बदल गई है, सरकार बदल गई लेकिन उनकी जवाबदारी कम नहीं हुई है और हमारा जनप्रतिनिधि होना ख़त्म नहीं हुआ है। सुन रहे हैं आप नौरत जी। और ये देखिए मैं आपको बता दूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार ने सदैव एक बात कही है और मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी गांधीवादी नेता, उन्होंने कहा जवाबदेही, पारदर्शी और सुशासन देने का वादा जो हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट का है वो निश्चित तौर पे होगा। अभी शांति धारीवाल जी अजमेर आए थे, स्वयं मंत्री जी ने यहाँ पर जाके तोपदड़ा का रोड देखा, उन्होंने एलिवेटेड जितने रोड बन रहे अजमेर में वो देखा और स्मार्ट सिटी की कार्य की जो प्रगति थी, जो पिछले भाजपा के राज में प्रगति नहीं हुई थी, तो उन्होंने नाराजगी जाहिर की, नहीं चल रहे अभी तक, एक सिंगल काम इन्होंने
सेंक्शन किया अजमेर के लिए बता दे, स्वायत्त शासन मंत्री आकर के, खुद स्वायत्त शासन मंत्री आकर के यहाँ पर इनको चैलेंज करके गया और इनके कार्यों से उन्होंने खुश नहीं करी। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अरे आपका मंत्री तो आया ही नहीं, आपका स्वायत्त शासन मंत्री तो अजमेर ही नहीं आया, स्वायत्त शासन मंत्री श्रीचंद कपलानी रात रात रोड पर घूमा, सफाई व्यवस्था देखी। आपको याद दिला रहा हूँ, आया होता तो अजमेर चर्चा और करेंगे कौन बनेगा मेयर शो में। आज केवल इतना ही, लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है कि अजमेर के अंदर अजमेर नगर निगम शादी समारोह स्थलों से उतनी वसूली नहीं कर पा रहा जितने राशि की वसूली ठेले वालों से कर पा रहा। बड़ा ताज्जुब होता है जानकर कि आखिर ठेले वालों को ज़्यादा अमीर कहा जाए या शादी समारोह स्थलों वालों को। जवाब ऐसे ही जनप्रतिनिधियों से और अधिकारियों से हम करते रहेंगे। और कौन बनेगा मेयर शो में आज के लिए केवल इतना ही।